हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक अगेन। तो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो में आया हूँ और पैंगोंग में मेरा ऑलरेडी 2 महीना हो चुका है। ज़्यादा दिन मैं हूँ नहीं, यहाँ पे वापस जाने वाला हूँ। तो पैंगोंग का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो था गैलेक्सी और स्टार्स का फोटोग्राफ्स। कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और आपको भी ऐसे फोटोग्राफ्स सीखना है कि कैसे इस फोटोग्राफ्स लेना है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। आप पैंगोंग में आए हो और मून नहीं है और स्काई भी क्लीन है, तो ये फोटोग्राफ्स आप ले सकते हो और बहुत ही अच्छा फोटोग्राफ्स आता है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको दूंगा। सिर्फ पैंगोंग में नहीं, अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे अगर पोल्यूशन कम है और स्काई क्लीन रहता है, स्टार्स का भी विजिबल अच्छा आता है और गैलेक्सी भी थोड़ा थोड़ा विजिबल अच्छा आता है, तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो कितना शटर स्पीड, कितना ISO, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, A to Z डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी मैं थ्योरी करके आपको दिखाऊंगा और रात को मैं यहीं पे आऊँगा और प्रैक्टिकल करके आपको अलग अलग एंगल में फोटोस लेके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इस फोटोग्राफ्स लेना है। तो गाइस, मेरा नाम है शिव, लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, और आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल में आपका जो ISO है वो 32 से 6400 तक होना चाहिए। मतलब आपके पास अगर 6400 है तो बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आएगा। अगर आपके पास 3200 का ISO है तो फोटोस आएगा लेकिन इतना क्लीन आपके पास फोटोस नहीं आएगा। अगर मूनलाइट है साथ में, थोड़ा थोड़ा मूनलाइट है, तो आपको फोटोग्राफ्स रात का बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास 6400 का है भाई, बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स आता है, जो मेरे मोबाइल में 64 का है। और ये ISO का बात किया मैंने, और शटर स्पीड जो कि 20 से 30 तक का होना चाहिए। मतलब शटर स्पीड मतलब एक्सपोजर, वही है एक्सपोजर, मतलब 20 से 30 तक का होना चाहिए। 30 मेरे पास 32 है, 32 होगा तो और भी अच्छा है। तो 20 से 32 के बीच में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब शटर स्पीड होना चाहिए 20 और 30, मतलब कन्फ्यूजन मत होना, 20 और 30 मतलब 20 सेकेंड टू 32 सेकेंड तक होना चाहिए एक्सपोजर। और वाइट बैलेंस डिपेंड करता है आपके लाइट के ऊपर। आपको अगर ब्लू लाइट पसंद है तो आप वाइट बैलेंस कम कर देना है, आपको अगर ब्राउन पसंद है तो आपको ज़्यादा कर देना है। तो मैं ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा, कोई भी इशू नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए कि कितना क्या नहीं होना चाहिए और कौन सा मोबाइल में ये फोटोग्राफ सबसे अच्छा आता है। ये भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिख के दे दूंगा कि कौन सा मोबाइल में फोटोग्राफ अच्छा आता है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना लिंक में। सेकंड, आपके पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, ट्राइपॉड या मोबाइल स्टैंड जो भी है आपके पास होना चाहिए, जो कि मतलब आपके मोबाइल को एक जगह पे स्टडी रखना है 20 टू 30 सेकंड। मतलब आपके पास आपको अगर आपके पास शटर स्पीड 30 सेकंड का है तो आपको 30 सेकंड तक आपको मोबाइल को स्टडी रखना है, बिल्कुल नहीं हिलाना है। थोड़ा भी हिलेगा तो जो फोटोग्राफ से आपका वो शेकी हो जाएगा, इसीलिए आपका मोबाइल स्टैंड होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मोबाइल स्टैंड से याद आया, हे ट्रैवलर्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं आपको अच्छा वाला ट्राइपॉड गिफ्ट करने वाला हूँ। और इसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको 2 फोटोग्राफ्स क्लिक करना है। एक फोटोग्राफ्स होगा स्टार्स का, एक फोटोग्राफ्स होगा गैलेक्सी का। तो दोनों फोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद 15 नवंबर से पहले आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना है। और व्हाट्सएप ग्रुप में गुड, एक्सीलेंट एंड बेस्ट, सबसे ज़्यादा जिसके फोटोज़ में टैग करके एक्सीलेंट आएगा। और फेसबुक ग्रुप में जिसका फोटोज़ में सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर आएगा, उन फोटोग्राफ्स को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद उसमें से सबसे बेस्ट जो फोटोज़ होगा उनको मैं सिलेक्ट करने का विनर डिक्लेयर करूँगा। और जो विनर होगा उनको मैं 1 महीने के बाद, मतलब 15 नवंबर के बाद, 1 महीने के बाद मैं आपका नाम अनाउंस करूँगा। और अनाउंस करने के बाद आपका एड्रेस लूँगा, एड्रेस लेने के बाद आपका जो गिफ्ट होगा मैं आपको सेंड कर दूँगा। सो बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फोटोग्राफ्स हमें शेयर करना है। बस, ऑल द बेस्ट गाइस सबको। 3 नंबर बात जो आपको ध्यान देना है वो है आपका जो आसमान है, आपका जो स्काई है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। मतलब स्काई में बिल्कुल बादल नहीं होना चाहिए, अगर बादल होगा तो बिल्कुल फोटोग्राफ्स आएगा नहीं, स्टार्स ढक जाते हैं, गैलेक्सी ढक जाते हैं, तो आप फोटोग्राफ्स नहीं आता है। और एक बात जो है वो मून नहीं होना चाहिए, मूनलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। अब जितना डार्क होगा उतना गैलेक्सी और स्टार्स का फोटोग्राफ बहुत बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स आता है और लाइट बहुत अच्छा आता है। बस अर्थ ये है कि आसमान में बादल और मून नहीं होना चाहिए। बस कुल मिला के बात यह है कि आपका स्काई जितना क्लीन होगा उतनी अच्छा आपका फोटोग्राफ्स आएगा। आप ये फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। Thank you.
मोबाइल के स्क्रीन में आपको लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सारे ऑप्शन आपका मोबाइल के प्रो मोड में आएगा या तो आपका मैनुअल मोड में आएगा। तो आपको दिखाता हूँ कि मैनुअल मोड में और प्रो मोड में क्या क्या सेटिंग करना है। तो अभी तो ये थ्योरी आप देख लीजिए और लिख लीजिए, आपके पास अगर पेन और नोटबुक है तो साथ में लेके बैठ जाए तो अच्छा होगा, और मैं रात को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप भी ट्राई करना घर में। चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन में लेके जाता हूँ आपको। सो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे स्क्रीन पर, और कैमरा ओपन कर लेते हैं। तो कैमरा ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ बाहर का थोड़ा सा ये। चलिए आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन में जाना है, आपको कहीं किसी को बाहर ही मिल जाएगा, मतलब प्रो ऑप्शन में जाना है आपको, प्रो या एक्सपर्ट, या तो आपको मिलेगा मैनुअल मोड में, ठीक है। तो मैं प्रो मोड ओपन कर लेता हूँ। ये जब आप प्रो मोड ओपन करेंगे ये सर ऑप्शन आएगा, सबसे पहले आएगा ISO, शटर स्पीड, वर्ड बैलेंस, ऑटो फोकस और EV। तो EV का आपको ज़रूरत नहीं है अभी, बाकी ये सब में ठीक होना चाहिए। और आपका जो ये लाइट देख लेना, फ्लैश लाइट, ये फ्लैश लाइट हमेशा ऑफ ही रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं करना है आपको। और टाइमर का आप यूज़ कर सकते हैं जब आप सिंगल जा रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए, और टाइमर का 3 सेकंड लगा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपका मोबाइल जो है मूवमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ISO दिखा देता हूँ आपको। तो ISO मेरे यहाँ से 100 से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होकर आपको जितना इंक्रीज़ करेंगे, ये देखिए मैं 100 में लेके जाता हूँ, फिर से 100 में लेके गया, अभी नॉर्मल है। आप जितने इंक्रीज़ करेंगे उतना ही आपका लाइट जो है वो इंक्रीज़ होते रहेगा। तो ये ISO लाइट खींचता है, मतलब बाहर का जो लाइट है ना वो मोबाइल में लेंस में वो अपने आप अपने तरफ वो खींचते रहता है, ठीक है। तो ये आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लाइट ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो सनलाइट है तो इसलिए ब्राइट ज़्यादा हो रहा है। और किसी के मोबाइल में ये 32 तक रहता है, ये आप देखिए 32, तो जिसके मोबाइल में 32 है तो इतना ब्राइटनेस आएगा, और रात को वो ज़्यादा लाइट खींच नहीं पाता, ठीक है। तो स्काई का जो लाइट है ना वो लाइट खींचता है एक्चुअली, ये ISO का काम है। तो ये 32 है मेरे यहाँ, 32 दे दिया, किसी के मोबाइल में 32 होता है, और जो जिसका लेटेस्ट फ़ोन है उसका 64 तक आता है, ये रहा 64। अगर आपके मोबाइल में 64 है तो भाई थम्स अप, ग्रेट, तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद 64 कर लिया मैंने, क्योंकि अभी अगर डार्क है तो आपको 65 करना है, मैक्सिमम करके रखना है, ठीक है। और उसके बाद शटर स्पीड, ये शटर स्पीड भाई एक्सपोजर कह सकते हैं आप, ये देखिए ये भी आप जितना कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये भी लाइट के लिए है, अभी ये लाइट में काम आएगा, क्योंकि अब जब हम लोग एक नॉर्मल फ़ोटो खींचते हैं तो फ्रैक्शन में होता है, एक सेकंड में एक फ़ोटो क्लिक होता है, तो उस टाइम क्या होता है वो बाहर का जो लाइट है इतना अच्छे से खींच नहीं पाता है, मतलब जो उसके सामने विजिबल होगा वही वो क्लिक कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये शटर स्पीड अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे, ये देखिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, लास्ट में जाने 32 सेकंड, ये 32 सेकंड, मतलब 20 से किसी का 5 है, और जो आईफोन है ना आईफोन में 10 रहता है सिर्फ, और किसी के मोबाइल में 20 भी होता है, तो आप 20 से ऊपर रख सकते हैं, 20 के ऊपर से 32 तक रख सकते हैं। मैं 32 रखूँगा, जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो लाइट कैप्चर करेगा, मतलब ये पूरा लाइट को कैप्चर करने के लिए इतना टाइम लेता है, मतलब 32 सेकेंड लेता है, तो मतलब रात का जो इतना दूर है वो लाइट, स्टार्स, गैलेक्सी, ठीक है, स्काई का जो लाइट है ये इतना दूर है वो खींचने के लिए इतना टाइम लेता है, 32 सेकंड लेता है, तभी वो आपको मतलब इतना अच्छा वो इतना दूर का फोटो भी, इतना मतलब रात का डार्क नाइट का फोटो भी इतना अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको शटर स्पीड का, तो आपको ये मैक्सिमम रखना है ये भी, ठीक है। अगर मतलब 20 से ऊपर ही होना है सबके मोबाइल में। उसके बाद आया WB, मतलब वाइड बैलेंस। तो ये इसका काम क्या है, इसका काम मैं कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। तो अभी शटर स्पीड ज़्यादा है, एक्सपोजर ISO ज़्यादा है तो समझ में नहीं आएगा आपको, तो मैं कम कर दिया ISO को, तो आपको वाइड बैलेंस समझाने के लिए। अगर आप इसको कम करेंगे ये देखिए ब्लू होते रहेगा, ठीक है, मतलब आपको स्काई का पूरा ब्लू लाइट चाहिए तो आपको कम में रखना है, और जितना आपको मतलब नॉर्मल जितने जैसे कलर है सेम वैसे रखना है, नेचुरल कलर रखना है, तो आप मतलब 4000 के बीच में से आप 5000 के बीच में रख सकते हैं। आप अगर ज़्यादा करेंगे ना तो उसका क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा कलर। ये देखिए ये बाहर तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि शटर स्पीड ज़्यादा है, तो शटर स्पीड में कम कर देता हूँ तब पता चलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो वाइट बैलेंस को करता हूँ मैं, ये चलिए वाइट बैलेंस दिखाता हूँ मैं, ये अगर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ब्राउन होता जाएगा, अगर कम करेंगे उतना ब्लू होगा। ये 4000 से 5000 के बीच में अगर रखेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, मतलब जैसे नेचुरल रहेगा, और ज़्यादा कम करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो ये रात को ही बस अच्छा समझ में आएगा आपको, क्योंकि दिन में इतना समझ में नहीं आएगा लाइट में। तो रात को मैं जाऊँगा लेक में आज, बाय गॉड मौसम बिल्कुल क्लीन है, साफ़ है, तो रात को बस ऐसे क्लीन होना चाहिए। तो मैं आपको स्टार्स का फ़ोटोज़ और गैलेक्सी का फ़ोटोज़ आपको लिख के मैं प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा। तो ये हो गया, और तो इसको आपको
एक मैक्सिमम जो आपको जैसे ठीक लगे, आप एक दो फोटो क्लिक करने का आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या ज़्यादा रखना है कम रखना है। तो भाई शटर स्पीड हमेशा मैक्सिमम, ISO मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद हो गया फोकस। तो ये फोकस का है ना, ये देखिए फोकस का जो है ना, ये हमेशा करना है क्या कि आपको 1.00 रखना है, मतलब 1 में रखना है हमेशा। इससे कम होगा तो ना आपको ब्लर हो जाएगा, जितना कम होगा उतना ब्लर होता जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली, शटर स्पीड कम कर लेता हूँ तो पता नहीं चलेगा, ISO भी कम कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ भी IMF आ गया, तो ये जितना कम होगा उतने आपका ब्लर हो जाएगा, आपको ये हमेशा 1 पे रखना है। ये देखिए आप देखिए फोकस कर रहे हैं, ओके। सो ये फोकस के हिसाब से आपको ये एक्चुअली 1 पे दूर के फोकस के लिए, जितना दूर होगा उतना अच्छा फोकस करिए, ठीक है। ये सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। और आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आपको सेकेंड टाइम टाइम आ रहा है वो 30 सेकेंड में नॉर्मल में रखना है, क्योंकि आप जब एक ऐसे फोटो करके क्लिक करेंगे ना, तो मैं क्लिक करके दिखा दूँ, ये देखिए आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो जब स्टैंड पे रख के आप ऐसे क्लिक करेंगे ना तो मोबाइल आपका हिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल में मतलब 30 सेकंड ऐसे रख के क्लिक करेंगे तो हिलने के वो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उतना टाइम है अभी स्टार्ट हुआ नहीं है आपका फोटोग्राफ्स। 3 सेकंड के बाद ही आपका फोटो स्टार्ट मतलब क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कैप्चर करेगा आपका लाइट का। तो आपको करना क्या है, 3 सेकंड का आपका जो है टाइमर रखना है, तो मोबाइल आप बिल्कुल चेक ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक था इसका, बस मैं इतने समझाना चाह रहा था इसको। और चलिए अभी आगे का बात करते हैं, ये रहा देखिए इतना टाइम लेते हैं वो, चलिए ये 3 सेकंड के बाद ही आपको फोटो क्लिक होगा। तो मैं ये रात को समझ में आ गया, दिन को बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना सनलाइट है ये एक्चुअली ये मोड जो है ना वो लाइट के लिए है, मतलब लाइट जितना दूर हो जाए जैसे भी हो, ये प्रो मोड ऐसे है कि लाइट को वो खींचता है बस, और कुछ नहीं, वो उसके सामने लाइट होगा तो वो खींच लेगा, डार्क मोड वो नहीं खींचेगा। लेकिन डार्क होना चाहिए तभी स्टार्स ब्राइट होता है और गैलेक्सी भी ब्राइट होता है, इसको को इतना लाइट खींचता है कि इतना अच्छा फोटोस आता है। तो मैं आपको लेके जाता हूँ, देखा ये देखिए फोटो में दिखाता हूँ, अभी दिन का फोटो से वाइट हो गया। सो गाइस समझ में, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे का बात करता हूँ मैं, तो आप डिस्कस करते हैं मूनलाइट में आप कैसे फोटोग्राफ्स लेंगे, ये भी मेरे मोबाइल की स्क्रीन में लेके आपको दिखाता हूँ कि मूनलाइट जब होगा तब भी आप कैसे फोटोग्राफ्स लेंगे और मूनलाइट का फोटोग्राफ्स कैसे लेंगे, ये आपको थ्योरी में दिखाता हूँ, ठीक है। हे गाइस आप मूनलाइट का कैसे फ़ोटोज़ लेंगे ये बात करते हैं। चलो मैं कैमरा ओपन कर लेता हूँ फिर से, तो आ गया मेरे प्रो मोड में, ठीक है। तो प्रो मोड ऑफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। मोर में जाता हूँ, एक्सपर्ट प्रो मोड ओपन कर लेता हूँ, आपको प्रो मोड ओपन करना है बस। तो इसमें भी मूनलाइट में भी आपको जो आपका शटर स्पीड है जो एक्सपोजर है आपको कम ज़्यादा करना है, 20 से ऊपर ही रखना है। तो मैं 20 से 32 ही रखता हूँ, और ISO में सबसे ज़्यादा ध्यान देना, और फोकस में, ठीक है। फोकस आपको 1.0 में रखना है, और वाइट बैलेंस आपको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना है लाइट के हिसाब से, ठीक है। वो आपके आपका चॉइस है, ये मैं नहीं बोलूँगा कि आपको इतना रखना है इतना रखना है, आप जितना आपको अच्छा लगता है जो जो फोटो अच्छा आ रहा है उस हिसाब से आपको वाइट बैलेंस कम ज़्यादा करना है। लेकिन ISO का क्या है ध्यान देना है, जो जितना लाइट ज़्यादा है उतना ISO कम, जितना लाइट कम है उतना ISO ज़्यादा, मतलब लाइट कम ISO ज़्यादा, लाइट ज़्यादा ISO कम, ये बस आपको ध्यान देना है मून लाइट का जब फोटो लेंगे, ठीक है। तो मूनलाइट में फोटो जितना अच्छा नहीं आता दिन के जैसे, मैं कुछ मेरा फोटोग्राफ से मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा आता है मूनलाइट्स का फोटोग्राफ, ये पूरा डिटेल्स भी आपको दिखा दूँगा मैं, स्टार्टिंग से दिखा दूँ मैं, कहाँ गया मेरा फोटोग्राफ्स, ये देखिए ये जब मून था ना, फुल मून था, मैं ISO एकदम 100 कर देगा, यस ISO था। मैं आपको डिटेल्स में जाके दिखाता हूँ इसका, मोर डिटेल्स। सो इसका ISO देखिए Realme 7, ये अपर्चर था 1.8, ये और ISO ये इतना मतलब ब्राइट नहीं था, तो मून उस दिन थोड़ा कम आया था, मतलब हाफ मून था, तो ISO ये मतलब 3500 में हो गया था, मतलब 3500 में हो गया था ISO, ठीक है। और एक्सपोजर देखिए आप 32 सेकेंड था, ये एक्सपोजर है लास्ट में देख सकते हैं आप एक्सपोजर, ये वाला एक्सपोजर, और ये है ISO देख सकते हैं आप ISO, ठीक है। तो डिटेल्स करते हैं आपको लाइट के ऊपर, अगर डार्क होगा तो 32 में नहीं आएगा ISO। सो ये एक फ़ोटो था, और मूनलाइट का फोटोस और भी दिखा था मैं सारे मूनलाइट का, ये मूनलाइट में था,
ये तो जैसे लग रहा था दिन में मेरे फोटो क्लिक किया हुआ है। ठीक है, और भी है मेरे पास, थोड़ा ज़्यादा मूनलाइट होता तो कि ये कैसा होता है, मैं फोटो कैसा आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस दिन कैसे फोटोज लगेगा आपका, आपको लगेगा नहीं कि रात का फोटोग्राफ्स है। और अगर आपको व्हाइट बैलेंस ज़्यादा कम होगा ना, तो अगर व्हाइट बैलेंस ज़्यादा है तो ऐसा फोटोग्राफ्स आएगा, और व्हाइट बैलेंस आपका ठीक ठाक लगा हुआ है आपका, मतलब आपने अच्छा सेट किया है व्हाइट बैलेंस, तो नॉर्मल नेचुरल फोटोग्राफ्स आएगा। ठीक है, और मूनलाइट में ये है मेरा बेस्ट फोटोग्राफ्स, जब मून आ रहा था, मतलब मून थोड़ा थोड़ा निकला हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, वन सेकेंड, कहाँ गया, लाइक दिस। ये देखिए, ये मून जब निकल रहा था थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था उस टाइम पे, ये थोड़ा और भी नीचे था, ये तो इतना भी नहीं, लाइक दिस, ये थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने ये फ़ोटो क्लिक किया, ये फ़ोटोज़, ये दोनों फोटोज क्लिक किया, ये नेचुरल फोटोज है। जब मूनलाइट आता है थोड़ा थोड़ा आता है, तो ग्लेशियर में पड़ता है तो वाइट हो जाता है, इतना खूबसूरत, बहुत क्या बताऊँ भाई, बहुत ही खूबसूरत है। सबको शायद ही चांस मिलेगा ये। अब मैं यहाँ से 2 महीने से हूँ, तो सारे मतलब हर एंगल में, हर दिन का हर वो करके मैं टाइम निकल के मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर सका, मतलब कर पा रहा हूँ। और आप लोग तो 1 दिन या 2 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे, तो शायद आपको चांस मिले, लेकिन जो चांस मिले आपको नहीं छोड़ना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फोटोज़, ये मूनलाइट का फोटोज़, जब थोड़ा मून आ रहा था उस टाइम पे मैं ये फ़ोटो क्लिक किया। ठीक है, तो इतना अच्छा फोटोज़ आता है विद गैलेक्सी। अगर मूनलाइट ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये गैलेक्सी बिल्कुल गायब हो जाता है, स्टार्स भी नहीं दिखाई देता है। और मूनलाइट्स का फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं मूनलाइट्स का। ये और एक फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको लगेगा दिन का फोटो है, देखिए गैलेक्सी गायब हो गए, स्टार्स गायब हो गए। सो डिपेंड्स ऑन योर लाइट, तो लाइट जितना है उसी हिसाब से आपको आपका आईएसओ सेट करना है। लाइट ज़्यादा आईएसओ कम, और लाइट कम आईएसओ ज़्यादा। सो बस ये देना है। मैं तो आपको फोटोग्राफ्स दिखा दिया, ये सारे मेरे अकेले के फोटोग्राफ्स हैं। और टाइमर का आपको ध्यान देना है, अगर आप अकेले हो तो 10 सेकंड का टाइमर लगाना है बस, और आपका पोज रेडी करना है, हो जाता है। वाह देखिए, ठीक है गाइस, चलिए आगे का बात करता हूँ मैं। और गाइस कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, जब आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, मतलब आप जब पोज दे रहे हैं, चाहे कोई भी पोज हो आपका, पोज आप जब दे रहे हैं ना, उस टाइम पे आप बिल्कुल स्टडी रहना पड़ेगा। चाहे आप जैसे खड़े हो बैठे हो, तो आप बिल्कुल हिलना नहीं है, मतलब अगर आप एक्सपोजर आपका 30 सेकंड सेट किया है, तो आपको 30 सेकंड तक बिल्कुल स्टैचू बन के रहना है। आपको अगर 20 सेकंड तक एक्सपोजर सेट किया है, तो आपको 20 सेकंड स्टैचू बन के रहना है। अगर थोड़ा सा आप हिलेंगे, वो आपको मैं प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा कि अगर आप थोड़ा सा हिलेंगे तो कैसा आपको फोटोग्राफ्स आएगा, बिल्कुल ब्लर हो जाता है, अच्छा फोटोग्राफ्स नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान देना है। और गाइस हाँ, आईफोन में एक्सपोजर बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ 10 सेकंड तक होता है, तो 10 सेकंड में इतना अच्छा फोटोग्राफ्स नहीं आता है। तो मैंने बहुत ही कोशिश किया, जितने भी टॉप मॉडल्स है आईफोन का, मैंने सब मॉडल से ट्राई किया है, लेकिन अच्छा फोटोग्राफ्स नहीं आया। और किसी को अगर ये फोटोग्राफ्स आता है, आईफोन से फोटोग्राफ्स ले सकते हैं आप, तो मुझे आप एक बार बता देना कि आईफोन से कैसे फोटोग्राफ्स लेते हैं, मुझे बस कमेंट कर देना। ठीक है, सो गाइस आप जितने भी फ़ोटो क्लिक करेंगे मुझे टैग करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम में मुझे टैग कर लेना, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फोटो क्लिक करके मुझे टैग करना और हमें शेयर करना कि कैसे आपने खींचा है फोटोग्राफ्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस आप इंतज़ार करते हैं रात की, मैं रात को आऊँगा, रात को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा कि अलग अलग एंगल में फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाऊँगा। चलिए आप इंतज़ार करना पड़ेगा रात का।